हेलो गाइज, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, आज मैं आपको रैपिडो ज्वाइन करके बताऊंगा अपने फोन से। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने फोन से घर बैठे रैपिडो ज्वाइन कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, अप्लाई कैसे करना है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। और जब आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी तो आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप उसमें पहला राइड कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो आप वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, नहीं तो आपको कुछ जानकारी समझ में नहीं आएगी। तो चलो मैं आपको बताता हूँ रैपिडो कैसे ज्वाइन करना है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से तो कैप्टन ऐप को डाउनलोड कर लेना, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद जैसे ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपको नीचे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, हिंदी इंग्लिश जो भी आप अपना लैंग्वेज रखना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके नीचे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना होगा, अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको फिर से नीचे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको OTP डालने का ऑप्शन आएगा, आपको OTP भी डाल देना। और उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, आपका मोबाइल नंबर लिखा हुआ रहेगा और उसके नीचे ब्लू कलर में लिखा हुआ है हैव ए रेफरल कोड। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको बोनस भी मिलेगा। मेरा रेफरल कोड आपको यूज कर लेना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप दे दिया हूं। और नीचे आपको रजिस्टर कैप्टन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सिटी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको चेंज पर क्लिक करके अपना सिटी सिलेक्ट कर लेना जिस सिटी में आप काम करना चाहते हैं, और नीचे कन्फर्म सिटी पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आप बाइक भी अटैच करवा सकते हैं रैपिडो में और ऑटो भी अटैच करवा सकते हैं। तो मैंने बाइक सिलेक्ट किया और नीचे आपको कन्फर्म व्हीकल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगेगा और प्रोफाइल इन्फो में कुछ आपके डिटेल देना होगा, व्हीकल RC और आधार कार्ड या पैन कार्ड। आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों में से एक होना चाहिए आपके पास, या तो आप आधार कार्ड यहाँ पर डाल दीजिए या फिर पैन कार्ड डाल दीजिए, ठीक है। पहले आपको ड्राइविंग लाइसेंस लिखा हुआ उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस का फ्रंट साइड और बैक साइड का फोटो खींचकर अपलोड कर देना है। और उसके नीचे आपको ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डाल देना, और सबसे नीचे जो लिखा हुआ आई डोंट हैव ए ड्राइविंग लाइसेंस वो उसको आपको टिक मार्क नहीं करना, उसको आप खाली छोड़ देंगे और नीचे सबमिट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस अंडर वेरिफिकेशन में चला गया है। और उसके बाद आपको प्रोफाइल इन्फो पर क्लिक करना, जब आप प्रोफाइल इन्फो पर क्लिक करेंगे आपसे सेल्फी मांगा जाएगा, तो आपको सेल्फी खींचकर अपलोड कर देना है। और जैसे आप सेल्फी खींचकर अपलोड करके नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, ऊपर आपका फोटो लगा हुआ रहेगा और उसके नीचे आपका नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, और आप मेल है या फीमेल है वो सब डाल के आपको नीचे सबमिट कर देना है, ठीक है। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, आप देख सकते हैं आपका प्रोफाइल इन्फो भी अंडर वेरिफिकेशन में चला गया है। सेम उसी तरह आपको RC की फोटो खींचकर अपलोड कर देना है, और उसके नीचे आधार कार्ड या पैन कार्ड दोनों में से कोई एक आपको फोटो खींचकर अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आप देख सकते हैं आपका सारा चीज अंडर वेरिफिकेशन में चला गया, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रोफाइल इन्फो, व्हीकल RC और आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये भी चलेगा। उसके बाद आपको दो ऑप्शन और बचा हुआ, एक तो ट्रेनिंग कोर्स बाकी है और उसके बाद पेमेंट मेड, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग कोर्स पर क्लिक करना, और जैसे आप ट्रेनिंग कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करना होगा, ऑनलाइन सवाल का कुछ आपको जवाब देना होगा, और आपके सामने कुछ वीडियो प्ले होगी, उस वीडियो को आपको पूरा कंप्लीट देखना होगा, स्किप नहीं करना, नहीं तो फिर आगे का प्रोसेस चालू ही नहीं होगा। तो जैसे आप ट्रेनिंग कोर्स पर कंप्लीट करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको स्टार्ट ट्रेनिंग पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप स्टार्ट ट्रेनिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वीडियो प्ले हो जाएगी, उस वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो किस तरह का वीडियो प्ले होगा मैं आपको दिखा देता हूं। हेलो कैप्टन, आपको ऑर्डर्स केवल तब ही प्राप्त होंगे जब आप ऑन ड्यूटी हैं, और जब यह होगा तो आप यह स्क्रीन देख पाएंगे इस साउंड के साथ। अब इससे पहले कि यह समय समाप्त हो जाए और ऑर्डर के विवरण को जांचें और यहां टैप करके ऑर्डर स्वीकार करें। अब यहां टैप करें, नेविगेट करने और पिकअप लोकेशन तक पहुंचने के लिए मैप का उपयोग करें। जब आप पहुंच जाएं तो कस्टमर को मैसेज करें और यहां मौजूद चैट विकल्प का उपयोग करके उन्हें यह बात बताएं। यदि आप कस्टमर को खोज पाने में असमर्थ हो रहे हैं तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। जब आप कस्टमर से मिलें तो उनका आदर पूर्वक अभिनंदन करें और उनसे पिकअप OTP पूछें। एक बार जब वे आराम से बैठ जाएं, तो ड्रॉप लोकेशन तक सुरक्षित सवारी करें। आप यात्रा करने के लिए फिर से मैप का उपयोग कर सकते हैं। जब आप पहुंच जाएं, कस्टमर को धन्यवाद दें और अपने अनुभव को रेट करें। बस सिर्फ इतना ही। तो गाइस, जैसे ट्रेनिंग वीडियो खत्म हो जाती है उसके बाद आपसे और भी सवाल जवाब किए जाएंगे। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर पूछा जा रहा है
कि अगर आप पिकअप तक पहुंचने के दौरान ट्रैफिक में फंसे हो तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिलेगा ए बी सी डी करके। तो ए ऑप्शन में है कस्टमर को चैट द्वारा सूचित करें, और ऑप्शन बी में है कस्टमर को कॉल करें। इस दोनों में से आप किसी एक पर सेलेक्ट कर देना, मैंने ए पर सेलेक्ट किया है, और आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। अब जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फिर से एक ट्रेनिंग वाली वीडियो ओपन हो जाएगी। वो वीडियो किस तरह की ओपन होगी मैं आपको दिखा देता हूँ। हेलो कैप्टन, जब आपको कोई ऑर्डर मिलता है तो आपको इसे तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए, तभी कस्टमर्स खुश रहेंगे, वे रैपिडो के साथ लगातार राइड्स ऑर्डर करते रहेंगे और आप अधिक से अधिक कमाई करते रहेंगे। यदि कस्टमर लंबे समय तक प्रतीक्षा करेंगे तो उनके ऑर्डर कैंसिल करने की संभावना बढ़ती जाएगी। यदि आपने किसी राइड को स्वीकार किया है और उनकी ओर बढ़ रहे हैं लेकिन कस्टमर राइड को रद्द कर देता है, तब भी आपको कस्टमर की लोकेशन तक पहुंचने के लिए भुगतान किया जाएगा। याद रखें, जब कस्टमर खुश होते हैं तो आपको मिलती है बेहतर रेटिंग, अधिक ऑर्डर और बेहतर कमाई। हैप्पी राइडिंग कैप्टन। तो गाइस, आपको इसी तरह से ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेनी है, और जब आपकी सारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा है मुबारक हो, ट्रेनिंग समाप्त हुई, अब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो सकता है, कृपया 1 से 2 दिन की प्रतीक्षा करें। उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रोफाइल इन्फो, व्हीकल RC, आधार कार्ड और पैन कार्ड अंडर वेरिफिकेशन में चला गया है, और जो आपका ट्रेनिंग कोर्स था वो ग्रीन कलर से लिखा हुआ ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीटेड, यानी कि आपका ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट हो गया। अब बच गया तो एक वो पेमेंट मेथड है, आपको पेमेंट मेथड पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आप बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं और UPI अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बैंक पर सेलेक्ट किया, आपको ऐड नाउ पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको बैंक की सभी डिटेल को यहाँ पर फॉर्म भरना है। ऊपर आपको फुल नेम डालना होगा, नीचे आपको अकाउंट नंबर डालना होगा, उसके नीचे दोबारा आपको फिर से अकाउंट नंबर डालना होगा, उसके नीचे IFC कोड डालना होगा, और उसके नीचे आपको बैंक का नाम डालना होगा, और उसके नीचे उसके बाद आपको कंफर्म कर देना। बस इतना ही प्रोसेस है। अब उसके बाद आपका 1 से 2 दिन में अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, और जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा तो रेप्टो की तरफ से आपको मैसेज भी आ जाएगा, और रेप्टो कस्टमर केयर की तरफ से आपको 1-2 कॉल भी आ जाएगा। तो समझ लेना कि मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो जाए, जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा तो उसके बाद आपको कैसे लॉगिन करना है। तो जब आप रेप्टो कैप्टन ऐप को ओपन करेंगे तो आपको पहले मोबाइल नंबर डालना होगा आपको, और जब आप मोबाइल नंबर डाल देंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपका रेप्टो कैप्टन ऐप खुल जाएगा, आप उसमें अर्निंग उसी टाइम से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप उसमें पहला राइड कैसे कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए मैं एक वीडियो कुछ दिन पहले बनाकर रखा हुआ है, तो उस वीडियो को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और आप देख लेना। तो गाइज, मैं रेप्टो कैप्टन ऐप को ओपन कर लेता हूं, और ओपन करने के बाद मैं ऑन ड्यूटी हो जाता हूं। सबसे ऊपर आप यहां पर देख रहे होंगे ऑफ ड्यूटी लिखा हुआ है, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ऑन ड्यूटी में हो जाएगा। तो अभी ग्रीन कलर का आइकन बन गया है और लिखा हुआ है ऑन ड्यूटी, यानी कि मैं ऑन ड्यूटी हूँ। और सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हाई डिमांड एरिया लिखा हुआ है। अगर मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ तो जिस एरिया में ज़्यादा डिमांड होगा तो रेप्टो उस एरिया का एड्रेस आपको यहाँ पर दिखा देगा। यहाँ पर लिखा है नियर चंडीगढ़ RD31V इंडस्ट्रियल एरिया Phase 2, तो वहाँ का एड्रेस आपको बता दिया। आप चाहो तो उस एड्रेस पर जा भी सकते हो। तो यहाँ पर साइड में राइट साइड में आइकन है, अगर मैं उस पर क्लिक करूँगा तो मैप डायरेक्ट वहाँ का लोकेशन उठा लेगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। तो आप हाई डिमांड एरिया पर जा सकते हैं ताकि आपको वहाँ से जल्दी राइड मिल जाएगी। ये हाई डिमांड एरिया बता रहा है, ये ट्रिबिंग चौक का ही बता रहा है, लेकिन मैं उसके बगल में ही खड़ा हूँ, यहाँ से 300 मीटर है, तो मैं वहाँ पर नहीं जाने वाला हूँ, यहीं से मुझे राइड मिल जाएगी। और आप चाहो तो नहीं भी जा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हाई डिमांड एरिया पर जाना ही है। आप एक जगह कहीं पे भी खड़े रहोगे तो वहाँ से आपको राइड मिल जाएगी, ज़रूरी नहीं है कि हाई डिमांड एरिया पर जाना ही है। तो यहाँ से मैं ऑन ड्यूटी हूँ, अब मुझे राइड का इंतज़ार करना है। जैसे राइड आती है मैं आपको एक्सेप्ट करके बताऊँगा और सारा प्रोसेस बताऊँगा, राइड एक्सेप्ट करने से लेकर राइड कम्प्लीट करने तक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ ऑरेंज कलर का है नेटवर्क का आइकन, इसका मतलब यहाँ पर अभी नेटवर्क कम काम कर रहा है, और कभी कभी ऐसे ही करता है, इसका कोई ज़्यादा मतलब इशू नहीं है। अभी थोड़ी देर में ये ग्रीन हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर नेटवर्क मेरे फ़ोन में अच्छे से काम कर रहा। तो ये ग्रीन ऑरेंज रेड होते रहता, इसके लिए आप टेंशन मत लेना। तो मुझे अब इंतज़ार करना है राइड का, जैसे राइड आता है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे एक्सेप्ट करना है और उसको कैसे ड्रॉप करना है।
तो गाइज रैपिडो में राइड आ गई है, यहाँ पर ग्रीन कलर का आइकन बना हुआ, उस पर क्लिक करके एक्सेप्ट राइड लिखा हुआ, तो राइड एक्सेप्ट हो गया है। उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, ये बिक्की के नाम से है, नाम यहाँ पर शो करेगा और उसके नीचे आपको उसका एड्रेस शो करेगा, जो भी उसका एड्रेस है। और उसके राइट साइड में आपको मैसेज का आइकन है, तो आप उस मैसेज करके भी बात कर सकते हैं। यहाँ पर कॉल का आइकन है, आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, ये गो टू पिकअप लिखा हुआ है ना, तो उस पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा ना कि मुझे पता चल जाएगा कि कितना किलोमीटर डिस्टेंस है पिकअप का। अगर ज़्यादा किलोमीटर होगा तो फिर कैंसिल करना पड़ेगा ऑर्डर को, कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा किलोमीटर अगर मैं पिक करने के लिए जाऊँ तो, इसलिए मैं देख लेता हूँ। तो गाइस ज़्यादा दूर नहीं, ये 400 मीटर ही है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आ जाना है, ये मैं मैप को हटा देता हूँ और फिर से मैं रैपिडो कैप्टन ऐप में आ जाता हूँ। मैं रैपिडो कैप्टन ऐप में आ गया हूँ और तो इसका पिकअप लोकेशन ज़्यादा नहीं है, 400 मीटर है, तो आसपास में होगा कहीं। तो मैं क्या करता हूँ ना, कस्टमर को पहले कॉल कर लेता हूँ और आपको भी कॉल कर लेना है कि कस्टमर कहाँ पर जाएगा, तो आपको कंफर्म कर लेना पहले, उसके बाद ही आपको जाना है। तो यहाँ पे राइट साइड में कॉल का आइकन बना हुआ, उस पर क्लिक करना है और उसके बाद कॉल कस्टमर, चैट विद कस्टमर और उसके नीचे कैंसिल माय ऑर्डर। तो आपको कॉल करना है, तो आप कॉल पे सिलेक्ट करेंगे और चैट करना है, मैसेज में बात करना, तो आप मैसेज पर क्लिक करेंगे। तो मुझे कॉल करना है तो मैं कॉल पर क्लिक कर दिया और उसके बाद आपको दूसरे नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कन्फर्म पिकअप लोकेशन। तो मैं इस पर क्लिक करके और मैं सबमिट कर दूँगा, उसके बाद ऑटोमेटिक कस्टमर को कॉल लग जाएगा। तो मैं बात कर लेता हूँ कस्टमर से। हेलो सर, आपकी राइड आई थी, मैं रैपिडो से बात कर रहा हूँ, कहाँ जाना है आपको? तो गाइज मैंने कस्टमर से बात कर लिया, उसकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा था, तो मैंने बता दिया कि मैं दो मिनट में आ रहा हूँ आपकी लोकेशन पर। और तो उसके लोकेशन पर पहुँचने के बाद मैं उसको कैसे पिक करता हूँ उसका प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, कस्टमर के लोकेशन पर पहुँचने के बाद। 5 minutes later. तो फाइनली गाइज मैं कस्टमर के लोकेशन पर पहुंच गया हूं, और आप जब कस्टमर के लोकेशन पर पहुंच जाएंगे उसका आगे का क्या प्रोसेस है मैं आपको बताता हूं। तो आप डिस्प्ले पर देख रहे होंगे ये ब्लू कलर का अराइव लिखा हुआ है, तो तीर का निशान राइट साइड को दिखा रहा है, तो यहां से हमको ऐसे करके ऐसे प्रेस करना है, अराइव कर देना। अराइव करने से क्या होगा ना कि कंपनी को लगेगा कि हाँ मैं उसके लोकेशन पर पहुंच गया हूं। अगर अराइव करने के बाद कस्टमर ऑर्डर को कैंसिल भी करता है तो आपको कैंसिल का पैसा मिल जाएगा 12 रुपया। पहले 8 रुपया मिलता था और अब 12 रुपया मिलेगा। उसके बाद अराइव करने के बाद यहाँ पर स्टार्ट राइड करने का ऑप्शन आएगा, तो फिर जैसे उसको प्रेस किए थे ना राइट साइड को, बस इसको भी ऐसे करके ऐसे प्रेस कर देना है राइट साइड को। उसके बाद OTP का ऑप्शन आएगा, तो कस्टमर से आपको OTP ले लेना है, जो भी उसका OTP होगा। मैं यहाँ पर उसका OTP डाल देता हूँ। जैसे आप OTP डालेंगे इस तरह का मतलब इंटरफेस आएगा, तो आपको गो टू मैप लिखा है तो इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद उसका लोकेशन मैप अपने आप उठा लेगा और आपको उसके लोकेशन पर ड्रॉप कर देना है, और आगे का क्या प्रोसेस है फिर मैं आपको बताता हूँ इसको ड्रॉप करने के बाद। तो गाइस फाइनली मैं कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पर पहुंच गया हूं, और जब आप कस्टमर को ड्रॉप कर देते हैं उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता है मैं आपको बताता हूं। तो आपको फिर से रैपिडो कैप्टन ऐप को ओपन कर लेना है और इसी तरह का इंटरफेस दिखेगा आपको। सबसे नीचे आप देख रहे हैं कंप्लीट राइड लिखा हुआ, तो आपको कंप्लीट राइड ऐसे कर देना है। तो उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं दिखाता हूं आपको। जैसे आपने कंप्लीट राइड किया, आप सबसे पहले पेमेंट आ गया 44 रुपया मैं कस्टमर से लूँगा, तो आपको ये कैश पे कलेक्ट करना है, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये कस्टमर को रेटिंग देने के लिए बोल रहा है, तो मैं सभी को 5 स्टार ही दे देता हूँ, तो आप लोग भी ज़्यादातर 5 स्टार ही दे दिया करो। तो मैं 5 स्टार रेटिंग दे के सबमिट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ रेडी फॉर नेक्स्ट ऑर्डर, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। बस हो गया, आपका राइड कंप्लीट हो गया है।
तो गाइज मैंने आपको रैपिडो कैप्टन ऐप चलाना बता दिया, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दे रखा, मुझे वहाँ पर भी जाके फॉलो करो, वहाँ पर भी मैसेज करो, मैं आपसे वहाँ पर भी बात करूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलूँगा आपको फिर किसी न्यू फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। खत्म।